हेलो नमस्कार। आज का यह वीडियो आधारित है कि हम एसटीईटी 2023 की तैयारी कैसे करें, जो आने वाली एसटीईटी है 2023 में, जो सभी विषयों में आयोजित होगी, उसकी तैयारी हम कैसे करें। तो हम पेपर वन और पेपर टू दोनों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। पहले हम पेपर वन की बात करें। पेपर वन में माध्यमिक स्तरीय विषय जो है, जैसे कि साइंस, सोशल साइंस, फिर मैथ आता है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और कुछ अन्य लैंग्वेजेस के हो सकते हैं, कॉमर्स भी। कॉमर्स के लिए तो एसटी 2019 के अकॉर्डिंग उनका एग्ज़ाम होगा ही। फिर कॉमर्स वाले को भी 2023 में शामिल करता है कि नहीं करता, वो अलग इशू है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि पेपर वन की तैयारी कैसे करें। तो आप सबको पता होगा, या हमने पिछला वीडियो में बताया था कि हमारे पास जो पेपर वन हो या पेपर टू हो, उसमें जो क्वेश्चंस पेपर है वो दो सेक्शंस में डिवाइड होते हैं। एक सेक्शन जो है वो कंपलसरी होता है और दूसरा सेक्शन जो है सब्जेक्ट वाइज होता है। तो जो पहला सेक्शन है वो 50 अंक का पूछता है, 50 मार्क्स के भी होते हैं, और उसमें जो दूसरा सेक्शन है वो सब्जेक्ट वाइज 100 अंकों का होता है, 100 प्रश्न भी उसमें पूछे जाते हैं। ठीक ऐसा ही पेपर टू में भी होता है। पेपर टू में भी जो हमारे 50 क्वेश्चंस हैं वो कंपलसरी क्वेश्चंस पेपर से आते हैं, जो अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। एंड जो पेपर टू है वह में उसमें भी 100 अंक का पूछा जाता है, वह अपने सब्जेक्ट से, कंसर्न सब्जेक्ट से आपको सवाल आते हैं। अब बात रही कि हम तैयारी कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका जो 100 अंक हैं वो 100 अंक की आप तैयारी कैसे करेंगे, अगर आप माध्यमिक स्तर के हैं या फिर उच्च माध्यमिक स्तर के हैं। तो हम पहले माध्यमिक स्तर या परीक्षाओं की बात करें कि उसकी तैयारी कैसे करें। सब्जेक्ट बेसिस पर अगर हम तैयारी की बात करें, तो जनरली हम सभी स्टूडेंट्स यह सोचते हैं कि हम 9th-10th के टीचर्स बनने जा रहे हैं, तो हम 9th-10th के ही सवाल को हम पढ़ के जाएंगे, 9th-10th का जो क्वेश्चन ये बुक्स हैं उसको ही हम पढ़ के जाएंगे, जो आपका सोचना लाजिमी है और ये सोच कुछ हद तक सही भी है। लेकिन लेकिन क्या होता है कि नियमावली में, एसटीईटी 2019 की नियमावली में एक लाइन लिखा हुआ है कि आप भले ही माध्यमिक स्तरीय परीक्षा में बैठेंगे, 9th-10th के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन उसका जो कठिनाई स्तर है, उसका जो डिफिकल्टी लेवल है, वह ग्रेजुएशन तक हो सकता है, वह ग्रेजुएशन तक हो सकता है। यानी कि अगर आप साइंस से भरे भरे हैं तो वहाँ पे आपको जो बायोलॉजी, अगर आप बायोलॉजी के तौर पर हैं तो वहाँ पे जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री रहेंगे वो आपको साइंस ग्रेजुएशन लेवल तक के हो सकते हैं। ठीक है, फिर फिजिक्स से आप हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री जो होंगे उसमें वो आपका ग्रेजुएशन तक का डिफिकल्टी लेवल को इंक्लूड कर सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। तो आपको अभी से क्या करना पड़ेगा, जब तक कि वैकेंसी नहीं आती है, जब तक कि इसका फॉर्म नहीं निकलता है, तब तक आपको क्या करना है कि आपका जो बेसिक है 9th-10th, इसको आप बेसिक बुक्स को, जो बिहार बोर्ड का जनरली हम लोग भारतीय भवन के किताब को पढ़ते हैं 9th-10th का, तो वो बुक्स को आप उठाइए और वो बुक्स को आप 10 बार पढ़ जाइए लाइन बाय लाइन। जैसे कि मैं बायोलॉजी से पास हूँ हाई स्कूल का और 12th बॉटनी से, तो मैंने क्या किया कि 9th और 10th का भारती भवन की किताब को लगभग हमने 5 से 7 बार उसको रिवीजन किया, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस में हम रहते हैं तो हमको 5-7 बार ही देखना पड़ा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, कोई कोचिंग स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो आप 5 से 7 बार पढ़िएगा तो आपको आ जाएगा। नहीं भी पढ़ेंगे, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप नहीं भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में नहीं हैं तो आप कम से कम 10 बार उस बारीकी से उस बुक्स को पढ़ें। उसके बाद आप 11th-12th का जो बॉटनी, जूलॉजी है, या फिर केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, आप जिस भी सब्जेक्ट्स के हैं, तो 11th-12th के जो कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं उनको आप बना जाएं। ठीक है, उनको आप बना जाएं। या उससे बेहतर होगा कि अगर आप नीट का जानते हैं, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहता है, या फिर आईआईटी, आप उसको एक प्रीवियस 5 साल के आईआईटी क्वेश्चंस को, या बीसीईसी के क्वेश्चंस को, जो बीसीईसी एग्रीकल्चर इंटरमीडिएट लेवल पे लेते हैं, या फिर नीट का अगर हम बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप एक बार प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन को आप इधर से उधर कर जाएं अच्छे से, जो जहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल बेस्ट है या फिर
एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है उसको आप देख लेंगे, तो क्या होगा कि आपका ब्रेन जो है, जो 9th 10th में आप पढ़ेंगे उसका जो भाष्ट आप पढ़ेंगे 11th 12th में, फिर आप जो प्रैक्टिस करेंगे नीट का या फिर आईटी क्वेश्चंस का, वहाँ पे जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नीट में आप देखेंगे, तो वो जो डिफिकल्टी लेवल आपको पता चलेगा उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर वहाँ से आपका कंसेप्ट में वृद्धि होगी, आपका सोचने का दायरा बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा कि जो कमिंग एग्जामिनेशन होंगे वहाँ तक में आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के तौर पर, मैथ के तौर पर, सोशल साइंस के तौर पर, नहीं सॉरी सोशल साइंस नहीं, मतलब साइंस के तौर पर बात कर रहे हैं, तो साइंस के तौर पर आपकी मजबूत पकड़ बन जाएगी, क्योंकि फॉर्म निकलेगा 20 दिन 1 महीना 1 दिन तो उसका फॉर्म भराने में लगेगा, फिर उसके बाद डेट अनाउंस होगा, और कितना डेट अनाउंस होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो वो उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम कहेंगे कि 1 से 2 महीना में आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी अगर आप इस तरीके से करते हैं। जनरली आप 9th 10th को पढ़ के एग्जाम में जाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप धोखे का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो 9th 10th से बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हमको लगता है कि 20 से 30% क्वेश्चन जो है वो 9th 10th से आते हैं, बाकी जो 60 to 70% क्वेश्चन कहा जाए कि वो हमारा 11th 12th और कुछ पार्ट 1 पार्ट 2 तक आपको लेकर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर भी मौजूद होंगे वेबसाइट पर प्रीवियस एसटीटी 2019 का, आप उसका भी अवलोकन बड़ा ही बारीकी से कर सकते हैं। तो अभी से ही आप 9th 10th के सिलेबस को उठाएं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को, और फिर वहाँ से आप उसको 5 10 बार पलट जाएं, और फिर आप 11th 12th को भी उस बारीकी को देखें, फिर एक बार आप प्रीवियस ईयर 5 साल के क्वेश्चंस को एक बार नहीं 5 बार आप उसको रिवीजन कर जाए, केमिस्ट्री हो फिजिक्स हो बायोलॉजी हो, तो उससे क्या होगा कि आपका आईक्यू लेवल जो है कंपेयर टू प्रीवियस जो आप नहीं पढ़ रहे थे वहाँ से बढ़ जाएगा, और आपको जो है उस सब्जेक्ट से, उस टॉपिक से रिलेटेड आपके कंसेप्ट में वृद्धि होगी, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अन्य जो बाकी सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मेरी सलाह होगी कि आप जो बुक्स हैं 9th 10th के, 9th 10th 11th 12th, 9th 10th 11th 12th के जो भी सोशल साइंस के कॉम्बिनेशन वाले सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स हैं, आप सिविक्स वाले ये मत सोचें कि हमको हिस्ट्री नहीं पूछेगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, आप जब एग्जामिनेशन आएंगे तो उसमें आप देख लेंगे। यहाँ साइंस का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और फिर उसमें मैथ वाले के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, बायोलॉजी वाले को बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी पूछता है, फिजिक्स भी, जब हम लोग जो परीक्षा रद्द हुई थी एसटीटी 2019 का उसमें फिजिक्स से भी क्वेश्चन आए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से भी, और फिर एसटीटी जो हम लोग फिर 2020 में दिए जो रद्द हो गया था जनवरी में, 2020 में जब सितंबर अक्टूबर में दिए थे तो उसमें केमिस्ट्री तो आया ही था, बायोलॉजी भी आया था, ठीक है, तो वहाँ पे फिजिक्स का उसके बाद हम दोबारा उस क्वेश्चन को देखे नहीं कि भाई क्या आया था, फिजिक्स क्वेश्चन आए थे कि नहीं, भाई साहब ने हमको ही व्हाट्सएप किए थे, लेकिन मैंने उसको बारीकी से नहीं देखा। लेकिन आप ये मान के चलिए अगर आप बायोलॉजी के हैं तो आप केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों को आप स्टडी करके जाएं, क्योंकि आपके साथ, क्योंकि बिहार सरकार का कहना है कि आप जब साइंस के टीचर हैं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अगर आप बायोलॉजी आप जा रहे हैं केमिस्ट्री जा रहे हैं तो केमिस्ट्री से हैं तो आपने मैथ पढ़ा होगा तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर आप फिजिक्स से हैं तो मैथ और केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका हो जाएगा, केमिस्ट्री वाले फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ हो जाएगा, बायोलॉजी वाले का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी ये चारों का चक्र जो है इसी तरह से चलता है, इसीलिए हम कहेंगे कि आपका जो कॉम्बिनेशन है उस पर आप फोकस करें और ये चीज़ें आप 1 से 2 महीना में करें, आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। ये हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 की, जो सब्जेक्ट आधारित 100 क्वेश्चंस होते हैं। अब पेपर जो पार्ट 1 होगा रीजनिंग का या फिर उसमें जो आते हैं, तो आपको क्या करना है कि प्रीवियस क्वेश्चन जो बीएड इंट्रेंस का होगा, जो सीईटी आयोजित होता है बिहार में बीएड में दाखिला के लिए, आप एक बार उसको आप इधर सुधर कर जाए सीईटी वाले क्वेश्चंस को, ठीक है, और कुछ केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो एग्जाम होते हैं उसमें, एंड नवोदय विद्यालय का, और जो आपने बैंकिंग का या फिर एसएससी का जो रीजनिंग
मैथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो पढ़े होंगे और इस चीज़ों को आप देख लेंगे। उसके बाद जो बीएड का जो सिलेबस है, बीएड का जो सिलेबस है एजुकेशन इन इंडिया, फिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ये सारे चीज़ों को जो है आप जो बीएड का जो सिलेबस है, बीएड का जो आपने पढ़ा होगा 2 साल, वो बीएड के सिलेबस को आप बारीकी से पढ़ जाएं। जितने भी शिक्षा आयोग बने हैं उनका क्या क्या कार्य हुआ, कब कब गठन हुआ, ठीक है, कौन गठन किए, और जो नई शिक्षा नीति है 2020, ये भी आप इसको भी आप पढ़ लेंगे तो देखेंगे कि आपको इधर 50 में 48 क्वेश्चन आपके सही होंगे, और बाकी इधर 100 क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से अपने अपने विषय पर पकड़ बनाई, तो आप 100 में आप मान के चलिए कि आपका 90 जो है न्यूनतम आप नहीं लाएंगे तो 90 आ ही जाएगा। तो 90 अगर इधर से आता है और उधर से अगर आपको 48-45 आ जाता है तो आप 150 में 140 प्लस जाते हैं, तो फिर आपकी जो है संभावना प्रबल हो जाती है शिक्षक बनने का, सरकारी शिक्षक बनने का सपना आपका साकार हो सकता है। अन्यथा कि एसटीईटी क्या कर बैठेगी, क्वेश्चंस का फ्रेमिंग किस तरह से होगा, और आपको सबको पता है कि नॉर्मलाइजेशन है तो आपको लगेगा कि हमने तो बहुत अच्छा बनाया, और पता चला कि आपके जो अगला फेज में जो एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफ़ी टफ हो गया, इसकी वजह से उनको फायदा हुआ और आपको लॉस हो गया। तो ये नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जा सकती है जब आप अलग अलग फेज में एग्जाम होंगे और अलग अलग क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड जब रहता है, कभी किसी का नॉर्मल रहा, किसी का डिफिकल्ट रहा, किसी का उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट रहा, तो इस स्थिति में नॉर्मलाइजेशन को फॉलो करते हैं तो इसमें अक्सर स्टूडेंट शिकार हो जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए आपका यही है कि आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन आपके को आता है तो आप उस लेवल को हैंडल करने के लिए तैयार रहें। इसके लिए एक ही स्ट्रेटजी है कि आप अपने जो 100 मार्क्स के हैं उन पर पकड़ बनाएं, जो मैंने आपको बताया, और इधर 50 अंक के लिए जो मैंने आपको बताया कि बीएड का सिलेबस को पढ़ लेना है, इधर सुधर कर जाना है, नई शिक्षा नीति पढ़ लेना है, शिक्षा आयोग का गठन कब कौन क्या उसका कार्य उपलब्धियाँ वो सबको पढ़ लेना है, और जो रीजनिंग के लिए जो सीटी जो इंट्रेंस बीएड का होता है केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय का, आप उसकी तैयारी कर भी रहे होंगे तो उनको भी आप वहाँ से देख लेंगे, रीजनिंग का, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का कुछ मिश्रण वगैरह पढ़ लेंगे, टाइम पीरियड से भी सवाल आ जाता है तो उन सबको भी देख लेंगे तो 50 में आपको 48-49-45 आ ही जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये 12 मिनट का वीडियो आपको निश्चित तौर पर फायदेमंद होगा कि आप कैसे तैयारी करें। मैं कोशिश करूंगा कि एसटीईटी 2023 पर आधारित और भी वीडियो लाएं, और निश्चित तौर पे ये लाभान्वित वीडियो होगा क्योंकि मैं एसटीईटी हाई स्कूल प्लस टू दोनों पास आउट हूँ एसटीईटी 2019 में, तो मेरे पास काफ़ी अनुभव है, हम ये अनुभव को आपसे जरूर साझा करते रहेंगे अलग अलग वीडियो के माध्यम से। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक करें, कमेंट्स करें, और हाँ अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।